मौजूदा आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की फॉर्म को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। केकेआर के कप्तान गौतम गंभीर ने धोनी के आलोचकों की जमकर क्लास लगाई है। एक मैच को छोड़ दे तो बाकी बचे 7 मैचों में धोनी की बल्लेबाजी में कोई धार नजर नहीं आई। आलोचक उनके फिनिशर के रोल और बल्लेबाजी पर सवाल उठाने लगे हैं। इतना ही नहीं, सौरभ गांगुली ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि धोनी अब T20 फॉर्मेट में फिट बैठते हैं या नहीं, इस पर शक है। अब गंभीर ने धोनी की आलोचना करने वालों को लेकर कहा, क्रिकेट में कोई फिनिशर या स्टार्टर नहीं होता है। जो भी विजयी रन बनाता है वो मैच का फिनिशर होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नंबर 1 पर बल्लेबाजी करने आता है या नंबर 11 पर। किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ एक बात का पड़ता है कि आप टीम के लिए कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप अपनी टीम के लिए मैच जिता रहे हैं तो आप फिनिशर हैं। धोनी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेली थी, हालांकि मुंबई के खिलाफ एक बार फिर वो बल्ले से फेल हुए। धोनी ने 10 गेंद पर 7 रन बनाए थे। वानखेड़े की स्लो पिच पर धोनी की बल्लेबाजी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि इस मैच में पुणे ने मुंबई को 3 रन से हरा दिया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।